Hey everyone, back to my बच्चा अब जाकर ये चैप्टर खत्म होने वाला है यस yes, बच्चा वैसे तो सारे टॉपिक्स खत्म होने के बाद में बच्चो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है बच्चा जो क्वेश्चन एक्चुअली कौन से भी थियोरम से यहाँ पे डील नहीं करते हैं मतलब जो थियरम्स हम लोग ने पढ़े जो टॉपिक्स हम लोग ने पढ़े बच्चों इस पर्टिकुलर सर्कल चैप्टर में उसमें ये डील नहीं करता इसलिए इसको अलग से एक वीडियो बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो हम मिसलेनियस मिसियस लेने वाले हैं पे बच्चों जो किसी भी थियरम से यहाँ पे डील नहीं करता है बट फिर भी क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं एंड एग्जाम में आने के चांसेस है ऐसे बच्चा यहाँ पे मैं दो क्वेश्चन को उठाया हु इनफैक्ट दो ही क्वेश्चन है जो आप लोग को यहाँ पे समझना है तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कुछ ऐसा वाला जो कोई भी थियोरम से रिलेट नहीं करता है

अगर तीन पॉइंट की बात करेंगे तो सिंगल स्ट्रेट लाइन मस्ट पास फ्रॉम ऑल द थ्री पॉइंट्स उसको हम कोलिनियर बोलते तो ये लोग बोलते हैं कि सर्कल पे अगर आप लोग कहीं पे भी तीन पॉइंट लगा लेते हो ना बच्चा तो वो पास ही नहीं होंगे मतलब एक सिंगल लाइन उससे पास कभी जिंदगी भी नहीं हो सकती ये बात तो हम लोग को पता है बच्चों वो तो देख ही पता चलता है बट फिर भी इन्होंने हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला बच्चों ये वाला प्रूफ है ना जितना सॉल्विंग पार्ट है ना उससे हंड्रेड टाइम्स ज्यादा तो इसको सिर्फ लिखना है ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है बच्चा यहाँ पे आप लोगों को कुछ सॉल्व नहीं करना है सिर्फ थियोरेटिकली ब्लाब्ला ब्ला ब्ला जैसे ये वाला पार्ट देखो बच्चों एंड वन मोर थिंग इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम लोग मेथड यूज करने वाले कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड जिसको कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड भी बोलते हैं जहां पे हम लोग एक चीज को उल्टा करके प्रूफ करते हैं अज्यूम करते हैं मतलब अगर मान के चलो मेरे हाथ में यहाँ पे रिमोट है तो मैं बोलूंगा कि ये रिमोट नहीं है एंड बाद में मैं प्रूफ करूंगा गलत हो जाएगा मेरा एजम्स रॉन्ग हो जाएगा तो अपने आप ये थियोरम के हिसाब से मेरा ये रिमोट प्रूफ हो जाएगा तो बच्चों सिंपल है ऐसा कॉन्ट्राडिक्टी मेथड आप लोगों ने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा था जहां पे आप लोग को क्वेश्चन थे प्रूफ दैट टू प्लस रूट थ्री इज इेशनल तो आप लोग प्रूफ करते थे बाय अज्यूमिंग दैट इट इज रैशनल एंड फिर आप लोग गलत ठहर जाते थे एंड बाद में आपको पता है क्या करना होता है सिमिलरली बच्चा यहां पर भी ऐसी टाइप ऑफ क्वेश्चन है थोड़ा थियोरिटिकल है लिखने में बोर जरूर होगा बट इजी है

बट हम अज्यूम करेंगे बच्चा थोड़ी देर के लिए ऐसा झूठा झूठा ही सही बट हम लोग बोलेंगे कि यहां पे अज्यूम करते कि ये पॉइंट कोलिनियर है तो सबको पता है बच्चा कि पॉइंट जब कोलिनियर होते हैं तो क्या होता है बच्चा आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं अगर तीन पॉइंट कोलिनियर होते हैं जो कि आप लोग को वहां पे दिख रहा है पॉइंट पी पॉइंट क्यू एंड पॉइंट आर आपको दिख रहा है बच्चा तो आप लोग को पी क्यू आर कोलिनियर मिल रहा है पी क्यू एक कॉर्ड है बच्चा एंड क्यू आर कॉर्ड है तो हम लोग यहां पे कोलिनियर अगर इसको मानेंगे तो परपेंडिकुलर बायसेक्टर अगर मैं ड्रॉ करता हूं दोनों को भी मतलब पी क्यू को अगर मैं परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ कर दिया एट द सेम टाइम क्यू आर को भी मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया तो आप देख सकते हो बच्चों दोनों भी जो तीनों भी पॉइंट्स एक दूसरे के साथ यहाँ पे कोलिनियर होने के वजह से जो परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ हो रहा है आपको नहीं लगता बच्चा द परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉन टू बोथ द कॉर्ड्स ओवर हियर पी क्यू एंड क्यू आर एक दूसरे को पैरल होने चाहिए क्योंकि द ड्रॉन टू द सेम लाइन आर ऑलवेज पैरल टू इच अदर वही मैंने वहां पे स्टेटमेंट में लिखा है बच्चों द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम द कॉर्ड पी क्यू एंड क्यू आर विल बी पैरल टू इच अदर यह है हमारा पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कि हमें अगर दोनों कोलिनियर है तो यहाँ पे पैरल मिलना चाहिए बट बच्चों सीन कुछ अलग भी है अगर मैंने यहां पे सर्कल लिया होता एंड यहां पे ये तीनों पॉइंट्स को बताए होते जैसे कि देख सकते हो सर्कल सेंटर ओ है एंड आपके पास एक कॉर्ड है बच्चा जिसका नाम है पी क्यू एंड फिर से एक और कॉर्ड है बच्चा जो है क्यू आर ऑब्वियसली पी क्यू और क्यू आर बोल रहे हैं, तो उधर से ही कॉर्ड जाना चाहिए अगर मैंने यहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने की कोशिश की जो कि आप लोग देख रहे हो तो आप लोग ने नाइन्थ स्टैंडर्ड में एक टॉपिक पढ़ा था बच्चा द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द द कॉर्ड कॉर्ड तो उसी का कन्वर्स क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बच्चा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मैं बनाता हूं तो वो हमेशा सेंटर से ही गुजरेगा तो यहां पे आप लोग देख सकते हो अगर मैंने परपेंडिकुलर बायसेक्टर बना दिया PQ को तो वो सेंटर से ही गुजर रहा है एट द सेम टाइम बच्चा अगर मैंने परपेंडिकुलर बायसेक्टर QR को बना दिया तो वो भी बच्चों अगर आप लोग देख सकते हो सेंटर से ही गुजर रहा है पॉइंट ओ तो मतलब मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से द परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द कॉर्ड पी क्यू एंड क्यू आर तो यहां पे सेंटर ऑफ द सर्कल से गुजर रहा है दोनों भी तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पे सेंटर से गुजरने के वजह से ये परपेंडिकुलर बायसेक्टर और ये परपेंडिकुलर बायसेक्टर दोनों भी सेंटर को गुजर रहा है मतलब परपेंडिकुलर बायोसेक्टर तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे मतलब यहां पे लिख सकता हूं द परपेंडिकुलर बायोसेटर ड्रॉन फ्रॉम द कॉर्ड्स पी क्यू एंड क्यू आर तो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंटों में अब ऊपर के कंडीशन में अगर हमने देखा तो वहां पे बोला था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हुए तो वो तो पैरल होने चाहिए कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करना चाहिए बट यहां पे तो साफ साफ लिखा है बच्चा कि ये इंटरसेक्ट कर रहे तो मुझे बताओ बच्चों अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे तो क्या वो पैरल हो सकता है बिल्कुल नहीं अगर वो पैरल नहीं हो सकते तो मुझे बताओ बच्चा हमारा जो कॉन्ट्राडिक्ट किया बच्चा ये फैक्ट को कि वो पैरल है ऑब्वियसली एंड अगर पैरल नहीं हो सकते बच्चों तो क्या तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे बिकॉज कोलिनियरिटी का कंडीशन हमने क्या लिखा है बच्चा अगर तीन पॉइंट कोलिनियर है तो पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर पैरल होना चाहिए यहां पे तो पैरल हो ही नहीं रहा है मतलब क्या मैं बोल सकता मेरा एजम्पन जो है थ्री पॉइंट कोलिनियर होने का वो राइट निकला या रॉन्ग निकला जाहिर सी बात है बच्चा रॉन्ग निकला

कवर इट ओके चलो एक और क्वेश्चन है बच्चा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड बहुत ही सिंपल टॉपिक है एंड उसका नाम है प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 21 इन द फिगर बच्चा सेगमेंट MN इज अ कॉर्ड आपको MN करके कॉर्ड दिख रहा होगा ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O MN का वैल्यू पूरा का पूरा 25 है l एक पॉइंट है बच्चा कॉर्ड पे MN such that ML का वैल्यू है ना ML का वो 9 है बच्चों एंड डिस्टेंस बिटवीन OL जो है उसका वैल्यू भी फाइव देख रखा है रेडियस ऑफ द सर्कल बोला अभी रेडियस निकालना है तो रेडियस कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बट फिलहाल के लिए रहने दो यहां पे ना करेंगे बच्चा इस पर्टिकुलर चीज में बेसिकली ये प्रूफ नहीं है ये सोल्यूशन है तो आप लोग उसको सोल्यूशन कर सकते हो यहां पर ना बच्चा मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाला हूं सबसे पहला कंस्ट्रक्ट सेगमेंट ओपी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एम तो आपको दिख रहा है बच्चा आप मैंने ओपी करके दिखाया है वो परपेंडिकुलर है बच्चा एम के साथ अब सबको पता है बच्चा मैंने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड ये हमने सीखा है तो so, क्या मैं बोल सकता देअर फॉर यहां पर एमपी जो होगा एमपी वो हाफ हो जाएगा बच्चा द एंटायर कॉर्ड का एम एन का रीजन लिख सकते हो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड दिप सिंपल है अभी यहां पे क्या होगा मालूम है इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम एन बच्चा एम एन का वैल्यू हमें दिया है अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ट्वेंटी फाइव दिया दिखेगा आपको वहां पर मल्टीप्लाइड में ट्वेंटी आ जाएगा हाफ ऑफ ट्वेंटी फाइव वैसे डेसिमल में आंसर मिलेगा सो आई एम गोइंग टू राइट द आंसर इन डेसिमल्स एम इज इक्वल टू ट्वेल्व पॉइंट फाइव यूनिट मिलेगा यहाँ पे एंड दिस इज हाउ आई गॉट दी वैल्यू ऑफ एम पी अब MP का वैल्यू मिलने के बाद काफी सारे बच्चे बोलते चलो रेडियस मिल गया नहीं, ये रेडियस नहीं है बच्चा सिर्फ MP पी मिला अब तक रेडियस को अभी टाइम अब अच्छा, MP मिलने के बाद बच्चों क्या मैं बोल सकता जो मुझे MP मिला है मैं बोल सकता MP पी इज एक्चुअली मेडअप ऑफ टू सेगमेंट MP पी इज इक्वल टू एम एल प्लस एल इसका रीजन है एम डैश एल डैश पी बिट्वीन कोलिनियर यहाँ पे एमपी का वैल्यू 12.5 है बच्चा ML का वैल्यू अगर आप लोग देखोगे तो नाइन है एंड एलपी का वैल्यू अगर आप लोग देखोगे तो नहीं पता है तो एलपी विल रिमेन द सेम इस हिसाब से आपको एलपी का वैल्यू मिल जाता है बच्चा बाय शिफ्टिंग नाइन टू द लेफ्ट हैंड साइड 12.5 पॉइंट माइनस नाइन आप खुद कर लोगे बच्चों 3.5 मिलना चाहिए चेक करके देखना तो एलपी का वैल्यू 3.5 यूनिट मिला अब आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे सर तो आप रेडियस निकालने की जगह पे ये सारी चीजें क्या निकाल रहे हो इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा है पहले आप लोग ने एम पी निकाला एमपी के मदद से आपने एलपी निकाला अब ये सारी चीजें क्यों हो रही है आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा जैसे ही मुझे यहां पे एल पी मिला बच्चा एल पी तो आप देख सकते हो मेरे पास एक ट्राइंगल है मेरे पास यहां पे दो दो ट्राइंगल तो अभी फिलहाल नहीं है बट फिलहाल एक छोटा सा ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल वो है ट्राइंगल ओपीएल इन ट्राइंगल ओपीएल एंगल ओपीएल डिग्री होने के वजह से क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूं क्या हाँ पाइथोग बोलता है हाइपोटिन का स्क्वायर मतलब ओ एल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस एलपी का स्क्वायर या फिर पीएल का स्क्वायर इसका रीजन है बाय अब बच्चा ओ एल का वैल्यू हमें दिया है क्वेश्चन में तो ओ एल का वैल्यू है फाइव तो फाइव का स्क्वायर हो जाएगा ओपी का स्क्वायर नहीं पता है रहने दो एंड LP का अभी, -अभी हम लोग को वैल्यू मिला था बच्चा दैट वाज थ्री पॉइंट फाइव कुछ याद है बच्चों आप लोग को पिछला अभी समझा हम लोग ने LP का वैल्यू क्यों निकाला था ओके okay? इससे हम लोग को ओपी का वैल्यू मिलेगा तो ओपी तो 25 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा एंड माइनस थ्री पॉइंट फाइव का स्क्वायर होगा माइनस थ्री पॉइंट फाइव का स्क्वायर कितना होता है ट्वेल्व पॉइंट टू फाइव होता है यहाँ पे आपको ओपी का स्क्वायर मिल जाएगा बच्चों ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेल्व टू फाइव एक्चुअली गिव्स मी डेंजरस आंसर ट्वेल्व पॉइंट सेवन फाइव अब बहुत सारे बच्चे इधर से कंफ्यूज हो जाते हैं तो ध्यान से सुनना ओपी का स्क्वायर अगर 12.75 मिलता है तो काफी सारे बच्चे तो ऑब्वियसली टेकिंग स्क्वायर रूट करने की कोशिश करेंगे जो कि ओपी का स्क्वायर स्क्वायर रूट करेंगे तो ओपी हो जाएगा एंड ट्वेल्व पॉइंट का स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे विच इज वेरी 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 डेंजरस तो क्या करना है ऐसे सिचुएशन में कि हमारे पास ओपी स्क्वायर मिल चुका है तो ओपी कैसे निकाले मेरा मानो यहां पे बच्चों हम ओपी का वैल्यू निकालेंगे ही नहीं क्योंकि हमें ओपी का वैल्यू चाहिए ही नहीं हमें रेडियस चाहिए ना तो ओपी का स्क्वायर मिला है ना अभी इसको ऐसे ही रहने दो फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही रहने दो ओके okay? बाद में देखेंगे ओपी का स्क्वायर मिला याद रखना अब ना बच्चा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने वाला हो वा बच्चा कंस्ट्रक्ट सेगमेंट ओ एम तो ओ एम दिखा बच्चा आप लोग को यहाँ पे ऐसे आपको दो चीजें होगी सबसे पहला ओ एम ड्रॉ करने की वजह से आपको पता चला वो रेडियस है तो हमें वही निकालना है दूसरा ये करने की वजह से आपको एक और ट्रायंगल मिला यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्राइंगल ओपीएम एंगल इज इक्वल टू नाइन डिग्री तो इसमें भी मैं फिर से पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं राइट ये बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम अब जरा ध्यान से देखो बच्चों यहां पे ओ एम का स्क्वायर वही निकालना है हमें रेडियस है वो ओपी का स्क्वायर इक्वेशन नंबर वन में देखो आपको डायरेक्ट ओपी का स्क्वायर का वैल्यू मिला है फिर से स्क्वायर मत करने जाना बच्चा दैट इज ऑलरेडी ओपी का स्क्वायर 12.75 इसलिए मैं ओपी का स्क्वायर की जगह पे 12.75 डाल दिया इज दैट रियली क्लियर बच्चा अभी पता चला कि मैंने क्यों उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला लेट दैट बी एज इट इज प्लस इधर गलती मत करना एमपी का स्क्वायर बोला है बच्चा आपको याद है एमपी आपको मिला था ट्वेल्व करके जो हाफ था एम पी टाइव था तो ट्वेल्व का स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज उसका स्क्वायर करना इंपॉर्टेंट है ओके okay? यहां पे बच्चों अगर आप लोग देखोगे ओ एम का इज इक्वल टू विल रिमेन द सेम टाइव का स्क्वायर करके देखना बच्चों काफी सिंपल है इतना भी डिफिकल्ट नहीं है 156.25 मिलेगा 156 और 12.75 को ऐड करोगे तो आपको एक सिंपल सा आंसर मिलेगा बच्चा जो डेसिमल से दूर है आंसर इज 169 का स्क्वायर अगर वन हंड्रेड एंड दैट विल बी इक्वल टू 13 यूनिट्स एंड अगर आप लोग ध्यान से देखोगे डायग्राम को तो इज एक्चुअली एक्टिंग एज द रेडियस ऑफ द सर्कल तो यहां पे रेडियस ऑफ द सर्कल मिल चुका है बच्चा देर फॉर आई कैन राइट द फाइनल स्टेटमेंट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज थर्टीन यूनिट्स एंड दिस इज हाउ यू हैव सोल्व दिस मिस क्वेश्चन एज वेल एंड इट वॉज एज सिंपल एज दैट तो था ना बच्चा क्वेश्चन इजी इतना भी डिफिकल्ट तो नहीं था जितना हम लोग ने सोचा था बहुत सिंपल सा टॉपिक था परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड करके छोटा सा वैल्यू निकाला अंदर का छोटा ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज किया फिर उसी का इस्तेमाल करके बड़े ट्राइंगल में पाइथागोरस इस्तेमाल करके हमने रेडियस निकाला बहुत सिंपल अप्रोच था बच्चा आई होप यू लाइक इट अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ जाता है तो लाइक करना ना भूले शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एट द सेम टाइम बच्चा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है जो कि प्ले लिस्ट के जाकर देख सकते हो जो भी चीजें आपको चाहिए सारी चीजें है वहां पे एट द सेम टाइम द लिंक इज ऑल्सो प्रोवाइडेड ऑफ द टेलीग्राम Also, don't forget to join as well. मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में विध एन अनदर चैप्टर बच्चों का नाम आपको पता चल ही चुका रहेगा कम्युनिटी में डाला है बच्चों कि कौन सा चैप्टर में लेना चाहूंगा उसके ऊपर मैंने आप लोग को सवाल पूछा है आप जाकर पोल कर सकते हो वहां पे एंड बता सकते हो कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए सो न्यू चैप्टर इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग वेरी सुन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक डूटेक करो फिर सेल्फ यू ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड बाइ